अध्याय 8। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। शाऊल कलीमिया को उजाड़ रहा था। वो घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीही का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देख देख कर एक चित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से झोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए। उस नगर में बड़ा आनंद हुआ। इससे पहले उस नगर में शमौन नाम एक मनुष्य था जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बताता था। सब छोटे से बड़े तक उसे मानकर कहते थे कि ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिपुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने आप भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर वो फिलिपुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना के सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्माएं पाए, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। इस बात में न तेरा हिस्सा है न बांटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना पड़े। सो वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरियों के बहुत गांवों में सुसमाचार सुनाते गए। फिर प्रभु के एक स्वर्ग दूत ने फिलिपुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है और जंगल में है। वो उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा था और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो भजन करने को यरूशलेम आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो। फिलिपुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिपुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो ये था कि वो भेड़ की नाई वध होने को पहुँचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में
उसका न्याय होने नहीं पाया और उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जंगल में पहुँचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब किस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा के ले गया, सो खोजे ने उसे फिर न देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। और फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक केसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया।